टुडे आई एम हियर, आई एम डिस्कस अबाउट टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना होता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस रह गई थी जो मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। सपोज ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई डायपोल रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इस दौरान जो टॉर्क होता है, पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, टॉर्क होता है आपका PE साइन थीटा। अगर इसके डायरेक्शन लिखते हैं तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो हम यहां पर डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं टॉर्क की, यहां पर राइट हैंड रूल से, तो ये क्या होगा आपकी यहां से यहां की माइनस से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हम ऐसा करते हैं तो फोर्स ऐसे लगेगा और टॉर्क अंदर की ओर होगा, तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन होगी ऐसी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट इसमें कुछ कंडीशंस रह गई थी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल्स का स्टेबल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास 11th में, कोई बॉल है इस टाइप की, बॉल रखी हुई है, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है, अगर इस बॉल को डिस्प्लेस करते हैं यहां यहां बढ़ेगी फिर अपने इस पोजिशन में चले जाएगी, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहां पर हम बॉल को पुश करते हैं तो ये नीचे गिर जाएगी, यहां की ओर गिर जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाएगी, इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये बॉल को हम डिस्प्लेस करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगी आपकी, ये बॉल यहां पर आएगी, इसे कहते हैं नॉर्मल इक्विलिब्रियम। हम मींस थोड़ी डिस्टेंस तय करने के बाद अपनी वही पोजीशन ले लेती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, वही पोजीशन मींस अपनी जैसे थी वैसी है, फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वहीं पर रुक जाती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा है, यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होती है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस कंडीशन में रखा हुआ है तो ये क्या होगी आपकी, ये क्या है आपका माइनस क्यू प्लस क्यू है, या इसको हमने क्या कर रखा है थीटा इक्वल टू जीरो है, तो इसी कंडीशन में है तो थीटा इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है हमने इसको, थीटा इक्वल टू जीरो है तो ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा डिग्री, तो यहां पर टॉर्क इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। दूसरी कंडीशन अनस्टेबल मींस अगर इस डायपोल को मैं ऐसे क्या कर देता हूं, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू रख देता हूं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये अनस्टेबल होगा, थोड़ा ही रोटेट होगा, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो उस टाइम क्या होगा टॉर्क थीटा 180 डिग्री होगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो होगा, इस कंडीशन में आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी बात थर्ड, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब डायपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मींस पी और ई के बीच का एंगल क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम टॉर्क मैक्सिमम होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो उस टाइम टॉर्क इक्वल टू पी होता है, यानी इस टाइम मैक्सिमम टॉर्क होगा, यानी डायपोल मोमेंट्स के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस टाइम आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा।